भक्त के अंदर सदैव ये गुण विद्यमान रहते हैं सदैव ये लक्षण विद्यमान रहते हैं और आप इन्हें बड़ी आसानी से जान सकते हो कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि गुरुजी किसी व्यक्ति के बारे में हम कैसे जाने कि वो एक सच्चा भगत है सच्चा साधक है या हमारा सच्चा मार्गदर्शन करता है तो इन सात लक्षणों के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि वो व्यक्ति एक सच्चा भक्त भी है सच्चा साधक है और भगवान को मानने वाला एक सच्चा भक्त है साथ ही अपने अंदर भी आप झांक सकते हो और देख सकते हो कि ये गुण अगर ये लक्षण आपके अंदर हैं तो आप एक सच्चे भक्त हो क्योंकि तो जो व्यक्ति सच्चा भक्त होता है उसके अंदर ही ये सात गुण विद्यमान होते हैं और अगर आपके अंदर भी इन सात में से एक गुण भी है तो आप एक सच्चे भक्त हो आप भगवान के अति प्रिय हो क्योंकि भगवान उन्हीं को प्रिय करते हैं भगवान उन्हीं के प्रिय होते हैं जो इन सात कारणों को करता है जिनके अंदर ये सात गुण विद्यमान होते हैं तो कौन से हैं वो सात गुण आइए मैं आपको बताता हूँ उससे पहले बता दूँ अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए साथ ही बेल आइकन को दबाइए आल पर क्लिक कीजिए ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी मंत्र आदि से जुड़ी साधना से जुड़ी वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो पाए देखिए सबसे पहला लक्षण होता है जो व्यक्ति ईश्वर का एक सच्चा भक्त होता है उसको जब वो पूजा करने के लिए जाता है अपने घर के मंदिर में तो उसको ध्यान लगाने में इतनी कठिनाइयाँ नहीं होती जितनी अन्य किसी व्यक्ति को होती है जब वो बैठता है ध्यान के लिए तो मात्र दो मिनट में उसका ध्यान लग जाता है इसका कारण क्या है कि जब वो पूजा करने के लिए जाता है तो वो आप अपने आप को और ईश्वर यानी जिनकी वो पूजा कर रहा है सिर्फ वो उन्हीं को देखता है अपने और ईश्वर के बीच में वो किसी को नहीं देखता ना ही आस पड़ोस में देखता है तो उसका ध्यान ईश्वर तक तुरंत लग जाता है तो एक ऐसा व्यक्ति सच्चा भक्त होता है भगवान का जिसके अंदर नकारात्मक विचार ना होते हैं और बहुत आसानी से उसका ध्यान ईश्वरीय कृपा में ईश्वरीय चरणों में लग जाता है वो एक सच्चा भक्त होता है ये पहला लक्षण है दूसरा लक्षण होता है कि जब भी कोई व्यक्ति पूजा करने के लिए अपने घर के मंदिर में जाता है तो वो ये सोच के जाता है कि मैं भगवान के दरबार में पेश होने जा रहा हूँ मैं उनके चरणों में हाजिरी लगाने के लिए जा रहा हूँ मैं उनकी सेवा में जा रहा हूँ तो वो व्यक्ति अपने आप को उस तरीके से ही पवित्र करता है अपने आप को उस लायक बनाता है ताकि वो भगवान के दरबार में पेश हो सके वो नहा धोकर अच्छी तरीके से नहा धोकर और अच्छे कपड़े पहनता है साफ सुथरे कपड़े पहनकर मन को स्वच्छ करता है और हाथ बांधकर कर अपने भगवान के चरणों में पेश होता है तो ये दूसरा लक्षण है जिसको इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं इसका मतलब वो व्यक्ति एक सच्चा भक्त है तीसरा जो लक्षण है वो ये है कि जब भी वो व्यक्ति पूजा करने के लिए जाता है तो कभी भी वो ये नहीं सोचता कि मेरे घर के मंदिर में तस्वीरें हैं या कोई मूर्ति है वो सदैव इस भाव को व्यक्त करता है कि भगवान उसके सामने हैं भगवान वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो उनकी सेवा में आया हुआ है वो चरण दबाता है तस्वीर के तो भी वो ये नहीं देखता कि तस्वीर है वो कि वो भगवान के चरण दबा रहा है तिलक लगाता है तो वो भगवान को तिलक लगा रहा है अगर कुछ अर्पण कर रहा है तो वो भगवान को अर्पण कर रहा है अगर भोग खिला रहा है तो भगवान को उनके मुख से को लगा के वो भोग खिलाता है तो वो सौ उस परसेंट उसके मन में ये भाव होता है कि भगवान भोग स्वीकार कर रहे हैं खा रहे हैं साथ ही चरण दबाता है तो भी उसके अंदर ये भाव होता है और आपको बता दो तो ये भाव ही होता है जो एक तस्वीर को जीवंत कर देता है मंदिर में तो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है पर घर के मंदिर में तो नहीं होती तस्वीरें होती है पर उसका फ़र्क क्यों पड़ता है कि आपके देव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके ऊपर सवारी आने लगती है आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है आप किसी के बारे में बताने लायक हो जाते तो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपके अंदर भाव इसलिए कहा गया है कि भाव से बढ़कर कुछ नहीं होता अगर आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है भगवान को भोग लगाने के लिए नहीं है कुछ नहीं है तो आप भाव से आप सोचिए क्या भगवान को खिला रहे हैं आप भगवान को नहला रहे हैं ये जो भाव होता है यही उनको पसंद करना करने के लिए पर्याप्त होता है तो ये तीसरा लक्षण है जो मैंने आपको बताया कि भगवान आपके घर के मंदिर में बैठे हुए हैं अगला जो चौथा जो संकेत होता है वो होता है कि जिनके ऊपर ईश्वरी कृपा होती है और जो सच्चे भक्त होते हैं वो जब घर के मंदिर में बैठते हैं पूजा के लिए या मंत्र जाप के लिए बैठते हैं वो कभी भी उनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं चल रही होती कि काम पे मुझे जाना है मुझे वहाँ जाना है मुझे ये काम करना वो उनका मन स्थिर हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता कि उनको करना कितना मंत्र जाप था कर कितना लिया मान लीजिए पाँच माला जाप करना था कर लिया उन्होंने दस माला तो अधिक माला करने लगते हैं उनको आनंद की अनुभूति होती है जब वो पूजा करते हैं तो इसका मतलब सच्चे भक्त हैं क्योंकि आनंद की अनुभूति उन्हीं व्यक्तियों को होती है जब ईश्वरीय तरंगें आप पर आपको टच करती हैं जब ईश्वरीय तरंगे आपके शरीर के अंदर जाती हैं तो आप रोमांचित हो उठते हैं आपको आनंद आने लगता है वो आनंद आपको आने लगता है जो संसार में कहीं नहीं मिलता सिर्फ ईश्वरीय कृपा के कारण मिलता है वो ईश्वरीय तरंगे आपको टच करती हैं वो ईश्वर आपको जब टच करता है भगवान आपको टच करते हैं और तब वो आनंद आपको आता है कि आपका मन उस पूजा को करने के लिए ललाहित हो जाता है जब आप नौकरी पर जाते हैं सुबह तो आपको जल्दी लगी रहती है कि मुझे पूजा के लिए घर पहुंचना है तो ये जो भाव है ये जो आनंद उत्पन्न होता है यही आनंद आपको भगवान से मिलन कराता है और यही आनंद आपको बताता है कि आप एक सच्चे भक्त हैं तो ये चौथा संकेत था पाँचवा संकेत है कि अगर आप किसी व्यक्ति को जो व्यक्ति दीन दुखी है पीड़ित है या अपने हाथ पैर शरीर से अपंग है या किसी जीव को देखिए आप गाय है कुत्ता है बिल्ली है आपको अंदर से आपको ऐसा महसूस हो कि आपको कोई खगोल है और आप उसकी मदद के लिए ललाहित हो जाएं जैसे गाय को रोटी खिलाने के लिए या गाय का पेट भरने के लिए आप केले लें या कुछ भी करें या फिर कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति जो व्यक्ति अपंग है लाचार है उसकी मदद कर रहे हैं चाहे कैसे ही आप मदद कर रहे हैं चाहे तन मन धन से मदद कर रहे हैं तो आपके अंदर वो भाव उत्पन्न होता है कि ये व्यक्ति इसकी मुझे मदद करनी है आप अपने आप को उस जगह पर रखकर सोचते हैं तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है वो आपका शुक्रगुजार होता है और यही संकेत होता है एक आप सच्चे भक्त हैं क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है जो व्यक्ति जीव जंतुओं पर दया दिखाता है उसको पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती उसे बिना पूजा के ही ईश्वरीय कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है और भगवान उन्हें बहुत प्रेम करते हैं जो दूसरों पर प्रेम करते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं भगवान सदैव उनकी साथ रहते हैं और सातवां जो संकेत होता है वो होता है कि किसी को देख कर ना करना जिसके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है जो सच्चा भक्त होता है वो किसी को देख कर कभी इच्छा नहीं करता वो सभी के भले की कामना करता है कभी वो किसी को देख कर नहीं क्योंकि उसको पता होता है कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं उसे पता होता है कि दूसरों से इच्छा करना भगवान रुष्ट हो जाते हैं दूसरों को दुख देने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं उसको पता है कि उसका जो गिनती है उस वो चल रही है इसलिए वो पुण्य अर्जित करने में ही अधिक अपना ध्यान रखता है अपना अधिकतर समय देता है तो वो व्यक्ति सदा ईश्वर के पास रहता करीब रहता तो वो व्यक्ति सच्चा ईश्वर का भक्त होता है तो ये सात संकेत हैं इन सात संकेतों में से अगर कोई एक संकेत भी आपके पास है आपके अंदर है आप उसे महसूस कीजिए देखने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर क्या इन संकेतों में से कोई ऐसा संकेत है ऐसा गुण है जो आपको लगता है तो आप ईश्वर के सच्चे भक्त हैं और आप किसी भी प्रकार से पाप की कैटेगरी में नहीं आते तो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा कीजिए उनके नाम का गुणगान कीजिए मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी पहली बार चैनल पर है तो चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ स्टूडी वो सबसे पहले आपको मिले बाबा भोलेनाथ आप पर अपने असीम कृपा बनाए रखें आप और आपका परिवार सदा सुखी रहें स्वस्थ रहें हम मिलते एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए ओम नमः शिवाय